मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं। हाँ, अच्छा। हमको तो खुश लग रहा है कि हम लोग तो उधर से हिंदू त्योहार ठीक तरह से मना नहीं पाते हैं। भारत माता के पूजा करने जाएंगे तो मूर्ति के साथ साथ जो बनाता है उसको भी उठा के ले जाता था। बंगाल में ऐसा होता है? हाँ, दीदी के राज में होता है। और हिंदुत्व का पुनर्जागरण और पुनर्प्रतिष्ठा हो रहा है इधर, देख के बहुत खुश। मतलब हम तो होटल में रह नहीं पा रहे, बार बार आके इधर चला आ रहे हैं। और हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश का जनगण को कि वो ये सरकार चुन के लाया, योगी आदित्यनाथ एक त्यागी को चुन के लाया है। हाँ, तो ममता दीदी वहाँ पर हिंदुओं को उनके हिसाब से रहने नहीं देती है, भारत माता की पूजा नहीं करने देती है। हाँ, नहीं देते हैं। इस पर आप लोग आवाज उठाते हैं? हाँ, उठाए, तभी ना 38.1% इस बार वोटिंग हुआ है। और तो उसके बाद बहुत हिंसा हुआ है, आप लोग तो हम लोगों से ज्यादा बॉर्डर एरिया में। कोलकाता से आए थे, यहाँ विजिटर हैं, हम आए नमाज पढ़ने। हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर, तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। आपका नाम क्या है? नौशाद आलम। नौशाद आलम, तो मस्जिद को पूरा ढक दिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कैन यू सी द मॉस्क? I am from Kolkata. I feel the pain. I cannot tolerate it. How can you all just hide the facts? हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों से बात। This is कोशिश. You all should see na what's going on. तभी तो हम आपके जरिए तो बात पहुंचाएंगे ना। It's not tolerant. The people are like misguided that we are doing what and we seeing what. I went to pray the mosque. हिंदी में बोलेंगे तो हमारे में बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है, संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार आए हैं और इस मस्जिद में पहली बार मैंने नमाज अदा की है। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। इमोशनल हो गए आप एकदम?